उत्तर प्रदेश के बांदा में आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। जनपद में किए जा रहे इस प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आकर जनपद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया है और इस शिविर के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष चले पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बताया कि आखिर इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है और इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। पूरी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रांतीय आह्वान के द्वारा सभी जनपदों में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों के द्वारा लोगों तक जा जाकर उन्हें जागरूक करने का काम किया जाएगा। और जैसा कि सबको पता है कि विगत 30 वर्षों से रही गैर कांग्रेसी सरकारों ने जिस तरह से लोगों के साथ छलावा किया है और सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया है, उसके विषय में लोगों को जागरूक करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। वर्तमान सरकार की अगर बात करें तो जिस तरह से बेरोजगारों, किसानों व अन्य वर्ग के लोगों के साथ केवल छल के अलावा कुछ नहीं किया गया है। और अगर भर्तियों की बात करें तो वह चाहे शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या कोई अन्य भर्तियां हो, उस पर भी इन सरकारों के द्वारा लगातार धांधली की गई है। इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि प्रशिक्षण यानी पराक्रम के माध्यम से हम लोग 100 दिन 700 का व 2 लाख लोगों की सेना बनाने का काम करेंगे, जिसके माध्यम से ये सभी लोगों तक पहुंचकर कांग्रेस के द्वारा देश में किए गए त्याग और बलिदान के विषय में लोगों को जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने का काम करेंगे। और अजय जी, जिस प्रकार से प्रशिक्षण चल रहा है, किस प्रकार का प्रशिक्षण है और क्या है इस कार्यक्रम? देखिए, प्रशिक्षण से पराक्रम, 100 दिन 700 कैंप और 2 लाख लोगों की विजय सेना कांग्रेस पार्टी बना रही है। कांग्रेस के इतिहास, कांग्रेस के त्याग, बलिदान और समर्पण की गाथा, और जो पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, खासकर अगर देखा जाए तो 32 सालों में जो गैर कांग्रेसी सरकार रही है, वो पूरी तरह उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है। गांव, गरीब, खेत खलियान, किसान, नौजवानों के अधिकारों को छीना, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार नौजवान रोज सड़कों पर आंदोलित हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग का 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, UPSC की भर्ती, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती, सभी भर्तियों के नौजवान रोज सड़कों पर आंदोलित हैं। कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में, जो किसान आज परेशान है, हताश है, निराश है, आत्महत्या करने पर विवश है, 3 काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आंदोलित है, अन्ना जानवरों से परेशान है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ गए, लेकिन किसानों का 1 रुपया फसल का दाम इस सरकार ने नहीं बढ़ाया, 14,000 करोड़ से अधिक गन्ने का बकाया है, और आज बुंदेलखंड के किसान इस हालत में पहुंच गए हैं कि बुंदेलखंड कभी सोने की धरती कही जाती थी और आज इस सोने की धरती पर केवल रेत की लूट है। किसानों के लिए कोई योजना सरकार का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास सरकार ने नहीं किया है। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी इन्हीं विषयों मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाएगी।